हमें ये पैम्फलेट सोसाइटी में बांटने हैं। एक बड़ी साइकिल रेस होने वाली है। आंटी अंकल प्लीज कल शाम को आइएगा, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स इस साइकिल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वाओ थैंक यू। अंकल साइकिल कॉम्पिटिशन के लिए जरूर आना। जरूर आएंगे बेटा। कौन सा खाऊं? ये भी मस्त है, गुलाबी गुलाबी। और ये ऑरेंज है। और ये वेनिला। अरे बाबा कौन सा खाऊं कौन सा खाऊं? स्ट्रॉबेरी खाऊं क्या? हेलो अंकल। टिश्यू है, थैंक यू। अरे अंकल इसे पढ़ तो लेते, क्या पता इसको लेकर कमिश्नर अंकल आपको कोई काम देना चाहेंगे। अरे ये क्या है, इसमें तो कौनो साइकिल रेस के बारे में लिखा है। हाँ और ये रेस मेरा मतलब है ये रेस हमारी सिटी के माउंटेन एरिया से शुरू होकर पहाड़ी की दूसरी ओर खत्म होगी। हे भगवान, मतलब संडे को कमिश्नर साहब एक नए काम पे जरूर लगा देंगे। और कल की साइकिलिंग रेस ना मिस्टर चोपड़ा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मिस्टर चोपड़ा दिल्ली से आ रहे हैं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बच्चों को इनकरेज करने के लिए ना उन्होंने साइकिल रेस रखवाई है। और वेल मुझे वेल चीफ गेस्ट बनाया। तो इस रेस में बच्चों की सेफ्टी और सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तुम दोनों पर है। उस पूरे साइकिल ट्रैक पर बच्चों का तुम ध्यान रखोगे। लेकिन अगर इतने लंबे ट्रैक पर दूसरी ओर बच्चे लोग को कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी हम कैसे लेंगे सर? गुड पॉइंट। तो इसके लिए तुम उन बच्चों के साथ साइकिलिंग करो। हम सर ये तो पूरे 10 किलोमीटर का ट्रैक है। हाँ तो और थोड़ी कसरत हो जाएगी तुम दोनों की। मिस्टर चोपड़ा दिखाई नहीं दे रहे हैं। सब इंतजाम हो गया। बाय। ओह सर सो गुड टू सी यू। भाई आपने तो बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सब भगवान की कृपा है जी। आज मैं 10 किलोमीटर साइकिल चलाएगा, ये भगवान की कृपा है या इनकी? ये तो हर कृपा है। हाय दिया, तुम कब आई? बस अभी। अरे चिंपू, हमारे स्कूल के बाकी बच्चे कहाँ हैं? वहाँ। बेस्ट ऑफ लक किड्स।